आज प्रदेश किसी से मेरे निर्देशानुसार जो हमारे देश में एस एस टी के जो विभाग है उनके अध्यक्ष श्रीमान गोवर्धन जी के नेतृत्व में जो हमारा नया संसद भवन बना है उसका उद्घाटन जो है उस उद्घाटन के समय जो देश के सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति महोदय उनको नहीं बुलाना, ये मोदी जी की जो सोच है ऐसी वस्ती पहले इसका जो शिलान्यास हुआ था उसमें भी राष्ट्रपति महोदय को जो है नहीं बुलाया गया और अब जो उद्घाटन हो रहा है उसमें भी जो है जो पूरे पूंजीपति जो है पूंजीपतियों का जो जो बना रखा है गठन उसी अनुसार ये चलते हैं। एस सी एस टी मुखोटा इनकी मजबूरी है, उस मुखोटे में ये उनको बना जरूर देते हैं, पर आज देखो देश का सर्वोच्च जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है और पूरी दुनिया देख रही है और उस शख्सियत को नहीं बुलाना ये बहुत बड़ा एस सी एस टी का बहुत बड़ा अपमान है। कहने को तो बहुत चीज़ें हैं पर ऐसे आयोजन में अगर अपन पक्ष चाहे विपक्ष जो भी है और उसमें इस शख्सियत को नहीं बुलाना ये बहुत बड़ा जो है कुठाराघात है एस सी एस टी के साथ। और मोदी जी का तो महिमा मंडप यही है कि हर का उपयोग कैसे लेना है उपयोग लेते हैं और फिर उसका जो है अनुसरण नहीं करते हैं। ये एस सी एस टी हो ओबीसी हो आम सामान्य हो सबके लिए जो है बहुत बड़ा कुठाराघात है कि इस पद पर जो बैठा है उसको नहीं बुला के अपने ही लोगों को बुला के उसका उपलब्ध करना महिमा मंडप अपना ही करवाना ये इनका एक शुरू से वही बना हुआ है। मोदी जी है शाह जी उसके अलावा कोई नहीं, बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी नाम जरूर है पर सिर्फ शाह और मोदी, मोदी जी के अलावा और कोई इसमें आभा मंडल में और कोई नहीं दिखेगा। इसीलिए प्रदेश के निर्देशानुसार जिला संगठन ने हमारे यहाँ एस सी एस टी ने धरना दिया है। मैडम हिना डाबी जी को राज्यपाल के माध्यम से जो है संदेश यहाँ से गोवर्धन जी और हम सब मिल के उनको देंगे, इसीलिए धरना और दिया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राय मोहपुरे जी के निर्देश अनुसार पूरे राजस्थान में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष शंकर लाल जी मीणा के निर्देश पर हमारे हर जिले के अंदर आदिवासियों द्वारा आदिवासी कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जा रहा है। जो हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी जिनको इन्होंने भवन में जो उद्घाटन का सम्मान न देते हुए पूरे आदिवासियों के अंदर रोष है और उनके हाथ से जो शिलान्यास है नए भवन का वो द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा करवाया जाए तो हमारे समाज के अंदर एक खुशी की लहर होगी, नहीं तो पूरी आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी से सब नाराज है, आम नागरिक में रोष है।